टाइटैनिक को बनाने वाले ने कहा था कि यह डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। फिर ऐसा हुआ कि पहले ही समंदरी सफर के दौरान वो ऐसा डूबा कि आज तक निशाने इबरत है, और उसको देखने वाले जो भी जाते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। आज से ठीक 111 साल कबल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे यानी आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर अफराद नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहरे ओकियानूस में डूब गया। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए। 111 साल बाद भी उसे सबसे बड़ा समंदरी हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में इस जहाज की बाकियात को बहरे ओकियानूस में जाए हादसे से हटा दिया गया था। हादसे के बाद यह बहरी जहाज कैनेडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में दो हिस्सों में बट गया, और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर के फासले पर पड़े थे। 111 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के बारे में मामले मौजूद हैं। माहरीन की राय इसके बारे में क्या है, जानिए इस वीडियो में। इस बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। इस यकीन की कुछ वजूहात भी थी। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरो के शोभा बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर डी पनहो अलहो कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदगा पहला बहरी जहाज था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा पानी से भर भी जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता था। वो बताते हैं कि इस जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थी, जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाएगी ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप ठीक से काम कर सके। इस पर बहुत सोच विचार की गई थी। प्रोफेसर अलहो के मुताबिक इस पर गौर करने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तायुन किया, यहां तक कि सैलाब की सूरत में उन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तोदे से जबरदस्त टकराव का सोचा भी नहीं होगा। माहरीन का कहना है कि तसादुम इतना जोरदार था कि जहाज की मेन बॉडी में जहाज की निसफ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डेक तक पहुंच गया था, जहाज पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर सकते हैं, आप सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से उसे वापस बाहर नहीं फेंका जा सकता। एक जबरदस्त तसादुम के बाद जहाज की साख में तब्दीली आई और दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो भंस गए थे। टाइटैनिक को इस दौर में भी खालस स्टील से बनाया गया था, लेकिन उस वक्त का स्टील ऐसा नहीं था, आज की फौलाद की तरह मजबूत नहीं था। बड़े हादसों के बाद इसकी वजूहात में इंसानी गलतियां हमेशा पाई जाती हैं। माहरीन के मुताबिक आइसबर्ग से भरे खित्तों से गुजरने में मुश्किलात के बावजूद इस पर सफर को तेजी से मुकम्मल करने का शदीद दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड हासिल करने के लिए था। 1839 में शुरू होने वाला ये एजाज बहरे ओकियानूस को अबूर करने वाले तेज तरीन जहाज को दिया जाता था। टाइटैनिक को इस एजाज का सबसे मजबूत दावेदार समझा जाता था। इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों के दरमियान जहाज बनाने का मुकाबला था। उस वक्त इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान मुकाबला था कि सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज कौन बनाएगा। सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज को सरकारी तौर पर ब्लू बैंड मिल गया। इस कारनामे को हासिल करने के लिए किसी भी जहाज के लिए पहला सफर सबसे अहम समझा जाता था। पहले सफर के दौरान जहाज की हालत सबसे बेहतर होती है। जहाज पहले सफर में तेज तरीन रफ्तार हासिल कर सकता है, और टाइटैनिक ने भी तेज तरीन रफ्तार हासिल करने की कोशिश की थी। बच जाने वाले लोगों में से बहुत से लोगों ने बताया था कि जहाज के कप्तान को इर्द गिर्द के इलाकों में बर्फ के तोदों के बारे में इतला दी गई थी, लेकिन उसने जहाज की रफ्तार कम नहीं की क्योंकि वो तेज रफ्तारी से बहरे ओकियानूस को अबूर करके ब्लू बैंड हासिल करना चाहता था। लेकिन यही तेज रफ्तारी और गरूर और तकबर और खुदा को चैलेंज इस जहाज को डुबोने का सबब बने। टाइटैनिक हादसे में 1500 के करीब अफराद हलाक हुए, जिसके बाद समंदरी जहाजों के हिफाजती निजाम को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। इस हादसे के बाद समंदरी जहाजों की हिफाजत के लिए रडार जैसे आलात की तैयारी शुरू की गई। टाइटैनिक के हादसे में बहुत से लोग इसलिए मारे गए कि उनके पास लाइफ बोट्स नहीं थी।
और टाइटैनिक में लाइफ बोट्स इसलिए भी कम थीं क्योंकि उनका दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इस यकीन की वजह से जहाज में सिर्फ आधी लाइफ बोट्स रखी गई थी। यह हादसा समंदरी जहाजों की हिफाजत के हवाले से एक अहम संग मील साबित हुआ। समंदरी जहाजों की हिफाजत के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क बनाया गया। तामीर के दौरान हिफाजती पैरामीटर्स का ख्याल रखा गया। उसे मुसलसल बेहतर बनाने के मंसूबे पर काम किया गया। आज के दौर में रडार बर्फ के तोदों को बहुत पहले पता लगा लेते हैं।